ग्राम पटपुरा चीता घुटरी मार्ग के नदी में पुल नहीं होने तथा सड़क की जर्जर हालत होने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य शिक्षा सहित अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। क्षेत्र के जनपद सदस्य और ग्रामीणों के द्वारा शासन प्रशासन से कई बार पुल पुलियों की मांग की गई है, परंतु आज तक ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हो सकी है। मामला लखनपुर विकास खंड के सुदूर वनांचल ग्राम पटपुरा का है, जहां चीता घुटरी सड़क की जर्जर हालत होने की वजह से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो पुल नहीं होने और सड़क की हालत जर्जर होने, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में कई ग्रामीणों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। गौरतलब है कि बरसात के दिनों में अपने ब्लॉक मुख्यालय सहित अपने गृह ग्राम में से कट जाने के कारण ग्रामीणों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर, मेरा नाम देवमुनि रजवाड़ी है। हमारे पटकुरा में बहुत परेशानी है। चीता जो ग्राम पटकुरा में चीता घुटरी पड़ता है, पुलिया नहीं है। जो बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल आते हैं, आने जाने में बहुत परेशानी होता है। नदी भर जाता है तो बहुत परेशानी जाते हैं उन लोग को। और जैसे राशन लेने आते हैं, पानी भर जाते हैं, उसमें परेशानी जाता है। जो बीमार पड़ जाते हैं उसमें परेशानी जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है, वहाँ पे पुलिया नहीं है। बहुत परेशानी है पटकुरा में। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि पुलिया बन जाए। जी भाई साहब, मैं बिहारी लाल तिर्की जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 1 से हूँ। हमारे इस क्षेत्र में एक गांव पटकुरा आता है। पटकुरा के कई पारा मोहल्ले हैं, जैसे चीता घुटरी है, कुकू टांगा है, गाड़ो है, घटोन है। तो यहाँ पे नदी नाला पार करके लोगों को आना जाना पड़ता है बरसात के दिनों में, और ऐसे भी दिनों में भी पुलिया ना होने के कारण। पहली चीज़ तो ये है कि अभी एक घटना हुई थी जिसमें सर्पदंश हुआ था। उसमें अगर मौका रहते, अगर वो चीज़ गाड़ी आ जाती है, दूसरा चीज़ कि पुलिया अगर रहता तो उस मृतक के घर तक पहुंच पाती। पुलिया ना होने के कारण उसको अपनी जान से गंवाना पड़ा। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे बच्चे लोग जो हैं, ये बरसात के दिनों में तो स्कूल बंद के बराबर हो जाता है, क्योंकि बच्चे लोग नदी नाला पार करके आ ही नहीं पाते हैं, इतना उफान नदी आता है यहाँ पे। क्या जी, मेरे जानकारी में तो मैं प्रति वर्ष के जो बैठक होता है जनपद का, पिछले कार्यकाल में भी जनपद सदस्य रहे, उसमें भी हमने आवेदन प्रस्तुत किया था, प्रस्ताव रखा था। इस कार्यकाल में प्रस्ताव रखना है, और ऐसे भी हम फोन ऑन से बातचीत करके उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, और हम मांग कर रहे हैं कि भाई इस पे जल्द से जल्द पुलिया निर्माण हो और यहाँ के लोगों को व्यवस्था मिल पाए। जी भाई साहब, अगर मांग पूरा नहीं होगा, शासन प्रशासन अगर हमारे इस क्षेत्र को अनदेखा करेंगे, तो इस क्षेत्र के ग्रामीणों को लेके मैं कलेक्टर साहब के पास जनपद का घेराव, ये उक्त कार्य करेंगे हम, और प्रतिकारात्मक कार्रवाई करेंगे हम। मैं भी अपने ग्राम पंचायत पटकुरा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है मनोज कुमार राजवाड़े। इस पटकुरा गांव में कहने का मतलब बहुत सी समस्या है रहने के लिए। ये जो हमारा जो नाला निकला हुआ है चीता घुटरी वाला, इसमें आने जाने के लिए बहुत सारा परेशानी होती है। बरसात के सीजन में आवागमन नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं कि पब्लिक बहुत परेशान रहती है, और उसमें जो कि आदमी को पार होने में बहुत परेशानी होती है नाला पार करने के लिए, जो कि पहले महिला मतलब भी बहुत परेशानी हो, जो डिलीवरी वलीवरी केस होते उसका भी बहुत सारा परेशानी है, और लड़का जो बच्चे हैं उन लोग के लिए स्कूल आने के लिए बहुत परेशानी होती है स्कूलिया के न बनने के कारण। शासन प्रशासन से मांग है कि इस पुलिया को जल्द से जल्द बनाया जाए। जानिसार अख्तर की रिपोर्ट।